जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार नाम लेने का जो भाव होता है, या यूँ कहे कि किस प्रकार से मनुष्य का उद्धार मात्र एक नाम से होता है, तो आपने ये महिमा कई बार सुनी होगी कि एक बार राधा बोलने से क्या होता है, या एक बार गोविंद या गोपाल बोलने से क्या होता है। तो ये सारी एक नाम की महिमा होती है जो मनुष्यों के आत्मा का उद्धार करती है। परंतु कब? तो उत्तर है मृत्यु के समय, जब आपके द्वारा कोई भी शुभ अशुभ करने की संभावना नहीं होती, बस प्राण निकलने वाले होते हैं, तो उस समय आपके मुख से एक नाम निकल गया, तब वो आपका कल्याण करने वाला होता है। इसलिए इसे एक नाम की महिमा कहते हैं। किंतु अगर आपने आज नाम लिया और फिर सैकड़ों पाप किए, तो उस नाम के ऊपर जो पाप हुए हैं, तब आपके नवीन कर्मा बनने शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर साधकों के साथ होता है, क्योंकि हरि नाम में वही लोग आते हैं जिनके पाप पुण्य कर्म खत्म हुए होते हैं। पर जब आप नाम लेके कुछ पाप करते हैं, तब नए कर्म और नया शरीर आपका इंतजार कर रहा होता है। परंतु अगर आज नाम लिया और पीछे अतीत में पाप हुए हो, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि वो पाप इस एक नाम की महिमा से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी नाम ले, तब आगे कोई भी भूल ना करे। पर अगर गलती से भूल हो भी गई, तो उसके आगे वापस नाम लेना चाहिए, उस भूल को मिटाते रहो। ऐसा करते करते अंतिम समय में हमें एक नाम याद आना चाहिए, क्योंकि आज हमने नाम लिया हरे कृष्णा, फिर पाप करे तो इससे आपके पिछले पाप तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु आगे आने वाले या आगे होने वाले पाप कभी नष्ट नहीं होते। आइए एक उदाहरण लेते हैं। भगत जी ने जीवन भर नाम लिया, पर अंतिम समय में हिरण की केसर की सुगंध से वे हिरण की याद में खो गए और उसी वक्त उन्होंने प्राण त्याग दिए। फिर उन्हें अगला जन्म हिरण का ही मिला, फिर भी नाम जप छूटा नहीं। हिरण के शरीर में भी वे नाम जप कर ही रहे थे। इसलिए मित्रों, अंतिम जो एक नाम होगा, वो हमारे भगवत प्राप्ति का हित बन जाएगा। तो इसके लिए हमें हर वक्त नाम लेते रहना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो, पर नाम रटते रहो, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा अंतिम समय कब आएगा। इसलिए वर्तमान में हर समय हर क्षण नाम लेते रहे और काम करते रहे, इसी को जीवन बना दे। नाम ही हमारा परम धन है। फिर एक बार नाम में डूब गए, तो सारी आशा मोह सब अपने आप खत्म होता जाएगा। तब तो मोक्ष का भी मोह नहीं रहता, कोई फल की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि नाम से प्रेम हो चुका हुआ होता है। फिर भजन के लिए भजन करोगे, नाम के लिए नाम जप करोगे कि नाम कभी छूटे ना। नाम हमारी गति है, इसलिए उस स्थिति में पहुंचने के लिए इतना परिश्रम तो हमें लेना ही होगा। फिर तो आनंद मिले या ना मिले, भगवान मिले या ना मिले, वो तो नाम में ही मस्त मगन हुआ होगा। बस बात यही है कि भजन ना छूटे, यही बात होती है। अंत में एक उदाहरण से समझिए। भगवान अगर पतंग है, तो नाम और भजन है उसकी डोरी। डोरी खींचते जाओ, पतंग अपने आप आपके पास चली आएगी। डोरी अगर नाम जप है, तो पतंग भगवान है। इसलिए नाम जप कभी ना छोड़े, सदा भजते रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।